साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग हादसे ने कई लोगों को काल के गाल में भेज दिया। मंगलवार की सुबह तक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 74 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस हादसे के बीच मुंबई में बड़ा खुलासा हुआ है और इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इसके विलन निकले हैं और उद्धव ठाकरे का लोगों के बीच जाना तक मुश्किल हो गया। उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, क्योंकि मुंबई में हुए इस हादसे ने पूरी की पूरी सियासत बदल दी है, खासा हंगामा खड़ा कर दिया। तो बताते हैं आपको सब कुछ, आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में सोमवार का दिन काला दिन साबित हुआ, जब आंधी तूफान के बीच एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया। घाटकोपर इलाके में पेट्रोल पंप के पास गिरे इस होर्डिंग के नीचे काफी सारे लोग दब गए और धीरे धीरे जब लोगों को निकाला गया तो अब तक यानी कि मंगलवार की सुबह तक हादसे में 14 लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि 74 से ज्यादा लोग घायल है। अब इस हादसे के बाद हालात ये है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी किरीट सोमैया ने खुलासा किया है कि ये पूरी तरह से करप्शन का नमूना है जो कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुआ था। किरीट सोमैया के मुताबिक यहाँ पर 40x40 फीट के होर्डिंग लगाने की मंजूरी थी, लेकिन करप्शन करके पैसे खाकर 120x120 फीट की होर्डिंग लगाई गई थी। करीब 17,000 स्क्वायर फीट की ये होर्डिंग थी। और यही नहीं, किरीट सोमैया के मुताबिक इस होर्डिंग के लिए तो वो सामान्य मंजूरी भी नहीं ली गई थी, यानी कि 40x40 की मंजूरी भी यहाँ पर नहीं थी और पूरी तरह से अवैध रूप से 120x120 फीट की महा होर्डिंग लगाई गई थी। बिना मंजूरी के इतनी बड़ी होर्डिंग लगाने से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और अचानक ये होर्डिंग गिरा तो इतने सारे लोगों को छीन ले गया। अब सोमैया के मुताबिक ये सब कुछ तब हुआ जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, उनके ही कार्यकाल में पैसे लेकर खूब गलत काम किए गए, ये बड़ा दावा किरीट सोमैया की तरफ से किया गया। आगे देखिए, किरीट सोमैया ने यह भी खुलासा किया कि करीब 10 पेड़ इस होर्डिंग के सामने आ रहे थे, तो वो पेड़ सूख जाएं, सामने से हट जाएं, रास्ते से हट जाएं, इसके लिए पेड़ों की जड़ों में केमिकल डाल दिया गया और एक तरह से पेड़ों को जहर दे दिया गया और धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगे। और अब आंधी आई तो सामने पेड़ भी नहीं थे जो कि होर्डिंग को बचा पाते और ये पूरा का पूरा होर्डिंग गिर पड़ा। बेकसूर लोगों की इसमें जान चली गई। इस खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे भी बैकफुट में आ गए हैं। खबर है कि उद्धव ठाकरे का लोगों के बीच जाने का प्लान था, वहां पर पहुंचने का प्लान था, लेकिन उद्धव ठाकरे का निकलना ही मुश्किल हो गया। जी हां, खबर है कि उद्धव ठाकरे हादसे की जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखते हुए, नारेबाजी देखते हुए वापस लौट आए, क्योंकि उनके खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बड़ा खुलासा यही हुआ है कि उनके ही कार्यकाल में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार हो गई। और किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाया है कि उनके ही कार्यकाल में गलत तरीके से पैसे लेकर इस तरह के कई सारे होर्डिंग्स लगाए गए और उन सब पर अब एक साथ एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चुनाव के बीच, वोटिंग के बीच ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे ने यहाँ की राजनीति को बदल कर रख दिया। और खासतौर पर किरीट सोमैया के आरोपों के बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचने लगे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस होर्डिंग के गिरने के लिए जिम्मेदार हैं या फिर वर्तमान सरकार को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमले कर रहे हैं, कई तरह की बातें कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अब की बार भी बीजेपी को वोट दिया तो जनता अच्छे दिन भूल जाओ, बीजेपी के लोग आरक्षण भी छीन लेंगे। अब बीजेपी की तरफ से तो उद्धव ठाकरे को जवाब मिल ही रहा है, देवेंद्र फडणवीस लगातार उन पर हमले कर रहे हैं, तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे पर करारा वार कर रहे हैं। मगर इस बार तो उद्धव ठाकरे को उनके ही अपने चचेरे भाई राज ठाकरे ने निशाने पर ले लिया, तीखा हमला कर दिया और यहाँ तक कि बाला साहब के दौर की कुछ बड़ी बातें भी निकाल कर सामने रख दी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि आप अपने पिता की बात कर रहे हैं, लेकिन तब कहाँ थे जब आपके पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे अकेले लड़ रहे थे, अकेले संघर्ष कर रहे थे। और यही नहीं, राज ठाकरे ने याद दिलाया कि छगन भुजबल तो बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगे थे और बाद में उन्हीं छगन भुजबल को उद्धव ठाकरे ने अपनी गोद में बैठा लिया, महाराष्ट्र में मंत्री बनाया, उनके साथ दोस्ती कर ली।
इतने नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि मैंने तब भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि बाला साहब के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं करूंगा, किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ नाम के लिए बाला साहब के बेटे हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने बड़ा दावा किया, बड़ी बात कह दी कि वो तो कई लोगों के अधीन काम कर रहे हैं, कांग्रेस के अधीन, सोनिया गांधी के अधीन, शरद पवार के अधीन काम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अपने पिता के उसूलों को, अपने पिता की बातों को भूल चुके हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि बाला साहब के उसूलों को, बाला साहब के नियमों को उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है, धूल चटा दी है। राज ठाकरे ने अपने दिल की बात भी यहाँ पर कह दी। जी हाँ, राज ठाकरे जिसे कहीं नहीं कहते, जो बात कभी निकालते नहीं है, उद्धव ठाकरे को कोसते कोसते आज वो भी कह दिया। राज ठाकरे ने कहा कि मैं भी शिवसेना नहीं छोड़ता। जी हाँ, बाला साहब का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। अब यहाँ पर सीधा सीधा बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर ही था, उनकी वजह से परिवार टूटा, उनकी वजह से राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए और उनकी वजह से शिवसेना कमजोर हुई, ऐसा बड़ा दावा कर दिया, बड़ा आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि राज ठाकरे भी पहले बाला साहब ठाकरे के साथ शिवसेना में ही होते थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को आगे किया गया, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उसके बाद राज ठाकरे अलग हो गए, अपनी रास्ते अलग बना लिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण नाम से सेना बना ली और साथ ही साथ महाराष्ट्र के चुनाव में अलग दखल देने लगे। यही नहीं, 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने भले ही पीएम मोदी का विरोध किया था, लेकिन इस बार वो पीएम मोदी के साथ हैं, बीजेपी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनकी पार्टी फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन बाकी बातों को लेकर, कुछ और बातों को लेकर सहमति उनकी बताई जा रही है और उसी को लेकर इस बार राज ठाकरे ने खुलकर उद्धव ठाकरे को कोस दिया, खुलकर राज ठाकरे ने अपने दिल की बात निकाल कर रख दी और पहली बार बोल दिया, साफ साफ उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला कर दिया। राज ठाकरे ने ये भी बता दिया कि उन्हें शिवसेना क्यों छोड़नी पड़ी और बाला साहब ठाकरे के क्या नियम थे, क्या उसूल थे, पुरानी बातें सब खुलकर रख दी, तो बड़े आरोप भी लगा दिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार हैं, बस जीत मिल जाए, सीटें मिल जाए, इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अब भले इसके लिए किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े, किसी को भी धोखा देना पड़े, इससे उद्धव ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता, बस जीत मिलनी चाहिए, यही दावा हो रहा है, यही आरोप लग रहा है। अब उद्धव ठाकरे का नया वाला गंदा प्लान लीक हो गया है, जिसमें अपनों को ही धोखा देने की बात कही जा रही है। जी हां, उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक सीनियर नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी ने बड़ा खुलासा किया है और सूत्रों के मुताबिक नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुंबई की सीटें हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है। जी हां, मुंबई की ज्यादातर सीटों पर उद्धव ठाकरे का मुकाबला शिंदे गुट वाली शिवसेना से है और शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे खत्म कर देना चाहते हैं, शिंदे गुट को कैसे भी मिट्टी में मिला देना चाहते हैं और कैसे भी हो अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना पर फिर से कब्जा करना चाहते हैं। और खबर है कि इसके लिए बीजेपी के साथ वो अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं, हालांकि शुरुआत में उन्हें एंटरटेन नहीं किए जाने की बात आ रही थी, लेकिन बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के एक सीनियर नेता के संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी दखल रखते हैं और उनके संबंध उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी अच्छे हैं और वो संघ के भी करीबी माने जाते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ आना, आरएसएस के साथ आना, उसमें बहुत बड़ा रोल बीजेपी के उस सीनियर नेता का हो सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।